पांच राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस संगठन की बड़े स्तर पर सर्जरी करने की तैयारी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा और मणिपुर में अगले 15 दिनों में नए पीसीसी चीफ बनाए जाएंगे। इसके अलावा कुछ राज्यों के महासचिवों और सचिवों की छुट्टी हो सकती है, जबकि हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत अन्य चुनावी राज्यों में संगठन को मजबूत करने के लिए कांग्रेस आलाकमान के स्तर पर नई रणनीति बनाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि पंजाब और उत्तराखंड में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई है, उसका सबसे प्रमुख कारण संगठन के भीतर आपसी टकराव माना जा रहा है। ऐसी लड़ाई दूसरे राज्यों में ना हो, इसके लिए पार्टी के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। इसी सिलसिले में दिल्ली में सोनिया गांधी ने हिमाचल प्रदेश के नेताओं के साथ मीटिंग करके गुटबाजी खत्म करने की नसीहत दे डाली, जबकि 25 मार्च को राहुल गांधी हरियाणा के नेताओं से मिले। राहुल गांधी ने सभी को आपसी तकरार खत्म करके पार्टी के लिए काम करने के लिए कहा। तो आइए राज्यवार समझते हैं कि कांग्रेस की आगे की क्या रणनीति है। गुजरात, नवंबर 2022 में भाजपा के किले को भेदने के लिए कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए राज्य में नए 25 उपाध्यक्ष, 75 महासचिव और 17 शहर और जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। कुछ महीने पहले ही पार्टी ने राजस्थान के रघु शर्मा को गुजरात का प्रभारी बनाया है। मध्य प्रदेश, कांग्रेस नेता कमलनाथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के अलावा नेता प्रतिपक्ष की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। चर्चा है कि आने वाले दिनों में संगठन की जिम्मेदारी किसी नए व्यक्ति को दी जाएगी, जिससे अगले साल होने वाले विधानसभा में पार्टी भाजपा का मुकाबला कर सके। राजस्थान, गहलोत और पायलट गुट के बीच टकराव को खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान की ओर से बार बार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक विवाद खत्म नहीं हो पा रहा। ऐसे में कांग्रेस अपनी सरकार रिपीट कराने के लिए क्या कदम उठा रही है, ये देखना रोचक होगा। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस में बघेल और टीएस सिंह देव गुट के बीच विवाद को खत्म करने के लिए कांग्रेस आलाकमान की तरफ से एक्सरसाइज की जा रही है। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से कुछ राज्यों के महासचिव और सचिवों को बदलने की तैयारी है। माना जा रहा है कि 10 से 15 फीसदी नए महासचिव बनाए जाएंगे, जबकि 20 से 25 फीसदी सचिव नए बनाए जाएंगे। साथ ही पुराने पदाधिकारियों को भी हटाया जाएगा, खास तौर पर उनके कामकाज को देखते हुए ये एक्शन लिया जाएगा। ऐसी और भी वीडियोस के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।